नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के शीतल नगर में एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, नहीं हो पाई पहचान। जंडियाला गुरु पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 150 ग्राम हेरोइन, इनोवा गाड़ी और इलेक्ट्रिक कंडा किया बरामद। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने सूचना के आधार पर दो चोरों को किया काबू, 6 मोबाइल फोन किए बरामद। अरब हलचल विस्तार से। जालंधर के थाना 1 के अधीन आते डीएवी कॉलेज के नजदीक शीतल नगर में एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। गौरतलब रहे कि शव से बदबू आ रही है व कीड़े भी पड़े हुए हैं, तो वहीं मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ला निवासियों को बदबू आ रही थी, जिसके बाद देखा तो वहां पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस मकान मालिक व आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं मकान मालिक नरेंद्र कुमार ने बताया कि वे बस्ती गुजरा के रहने वाले हैं और यहाँ पर उनका डिपो है। उन्होंने बताया कि ऊपर वाले कमरे में किराएदार रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले वे दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना बताए गली में रहने वाली एक आंटी ने नीचे वाला कमरा किराए पर दिया था। तो वहीं मृतक महिला ने कहा था कि वह अपने बच्चे के इलाज के लिए अमृतसर चली जाएगी, उससे थोड़े दिन के लिए कमरा किराए पर चाहिए था। मिली जानकारी के अनुसार महिला प्रवासी है और उसकी उम्र लगभग 32 के करीब है। वह 2 दिन पहले ही यहाँ आई थी, लेकिन डेड बॉडी देखकर लग रहा है कि शव लगभग 5 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे कौन अंदर से करी? ऐसे सारा डिपो आए थे। अच्छा जी। हाँ जी। क्या डेड बॉडी जी अंदर पहिए कौन है भला? पता ही नहीं सानू। अच्छा जी। हाँ जी। ये तुझे तो किसी ने कराया थी दिता सी? रेंट पे मकान किन्नो दिता सी तुसी? मैं बेटा ना दा। नाम की है ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ? ਗੌਰਵ। हाँ जी। ठीक है जी, अपनी बिल्डिंग अपना राशन डिपो है इतने जी 20 साल तो पिछले। अच्छा जी। तो पर आप जो राशन डिपो का काम बंद हो गया, कणक आती है जिते मर्जी आप पॉइंट से मंडते बाहर मंडते कणक पर्चियां कट के बाहर ही। पूरा मूह सारा गलिया धोन कीड़े पे आ सिर च ब्लड चल पर देखे भाई 2 दिनों दे पूरा हाल ही हो सकता कम से कम घटो घट जिदा की पूछी जा रहा है कीड़े ना भरी पई लगातार मोरे छाती कीड़े ना भरी पई सारी। अच्छा जी। कोई हथियार ना वार-वूर किया गया उपर? ये नहीं पता लगता कोई चीज अंदर मिली नहीं, कोई चीज नहीं मिली सानू अंदर। सर देखे जावे बोल कोई उनका कागज पत्र आईडी प्रूफ वगैरह कुछ भी निकला बैग च कपड़े निकल जाने पई थी वो स्मेल काफी आ रही थी उदों सानू एक फोन एक थोड़ा क्लियर करियो जेड़े की जेड़ी लेडीज इथे रेंटेड सीगे ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਕਿ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਗਲੀ ਪਈ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਜੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਮੇਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ DSP ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ SHO ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ GT ਰੋਡ ਬ੍ਰਿਜ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ ਉਕਤ ਆਰੋਪੀ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਹੈ। ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗਾੜੀ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਡਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇਂ NDPS ਐਕਟ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਆਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਗਈ, ਜਿਸਸੇ ਔਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ IPS, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 10 ਕੁ ਮੁਕਦਮੇ ਸੀ, 10-12 ਮੁਕਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ NDPS ਐਕਟ ਦੇ 3 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਨ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 72/24 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀਗੇ 457-380 ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 40 ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਪੁੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹੱਲਾ ਸੇਖਪੁਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਡਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਚੋਰੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਤੋ ਉਨ੍ਹੇ 2 ਚੋਰੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਤਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨ ਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕਰ 2 ਚੋਰੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀਓ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਮਨ ਥਾਪਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਆਬਾਦਪੁਰਾ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪੰਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲਾਠੀਮਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀਓ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 28/3 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿਰੀ ਕਪੂੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਆ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਏ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇਂ ਚੋਰੀ ਔਰ ਲੁੱਟਪਾਟ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ ਥੰਮਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਵਨੀ ਕੇ ਸੰਤ ਲਾਲ ਰੋਡ ਪਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਸੇ ਪਰਸ ਛੀਨ ਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋਏ 2 ਲੁਟੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਘਾਇਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ,
जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा लुटेरों को काबू करने में कामयाबी मिली है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए फिरोजपुर एसपीडी रणधीर कुमार ने बताया कि दो लुटेरे संतलाल रोड पर एक महिला से पर्स छीनकर फरार हो गए थे, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा 24 घंटों में एक लुटेरे को काबू कर लिया गया है और उससे पर्स भी बरामद कर लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इन लुटेरों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, इनसे पूछताछ भी जारी है, जिससे कई और अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। मानजो के सचिव फिरोजपुर सौम्या मिश्रा जी वालों जड़ी एक मंदभागी घटना हुई सी, जड़ी एक वृद्ध बुजुर्ग महिला नाल स्नैचिंग की वारदात हुई सी। आ जड़ी इंसीडेंट होया सी, आ मानजो के सचिव साहब ने बड़ा सीरियसली लिता, अडर टीमों का गठन किया सी। एक डीएसपी सिटी श्री सुखविंदर जी, एक डीएसपी डी श्री बलकार जी के लीडरशिप टीम का गठन सीगा। दोवां टीमों का जो ज्वाइंट एफर्ट से आ जो केस हैगा 24 घंटे के अंदर जो है वह सॉल्व किया गया है। तो जोड़े दो दोषी से वो दोषियों गिरफ्तार किया गया। जोड़ा पहला सीगा वह नाम है करमजीत सिंह, पुत्र दारा सिंह वासी कृष्णा कॉलोनी फिरोजपुर। इससे पहले भी दो परचे है, एक खोदा हैगा वो असला एक्ट, दूजा भी खोदा हैगा। ये जो एक होर बंदा से जुनाइल से वो डिटेल असं नहीं दे सकते। तो यह जो केस है ये सॉल्व हो गया। दूजा जोड़ा एक पत्रकार जगदीप सिंह उन्होंने भी स्नैचिंग की वारदात हुई थी 19 तारीख में, आ भी केस जो है ट्रेस किया गया है। तो जो यदा दोषी है कमलजीत, वो डीएसपी सिटी साहब की टीम सिखी टीम ने उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये जो कमलजीत सिंह इससे पहले 7 परचे थे। मानजोग एसएसपी फिरोजपुर सौम्या मिश्रा जी वालों सख्त निर्देश है। लोकसभा चुनाव को लेकर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो वहीं भारी मात्रा में पुलिस फोर्स सड़कों पर तैनात की गई है। इसी दौरान धरना लगाने के मामले में एडीसीपी आदित्य के द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना लगाने की सूचना मिली। धरने की सूचना मिलते ही कुछ ही मिनटों में एसीपी निर्मल सिंह, 5 पीसीआर के कर्मचारी और थाना 4 के एसएचओ मौके पर पहुंचे, जिसके कुछ देर बाद बड़ी मात्रा में अन्य पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान धरने की सूचना मिलते ही 5 से 7 मिनट पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच रही है, जिसके तहत एक मॉक ड्रिल की गई थी। आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो उनका रिस्पांस समय पर पहुंचकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखेगा। वहीं हालातों के हिसाब से जरूरत के मुताबिक मौके पर उच्च अधिकारियों को अलर्ट कर बुलाया जाएगा। आप बेसिकली माननीय सीपी साहब के निर्देशन हेतु जिहड़ा हैगा इलेक्शन रिलेटेड प्रिपेयरनेस है उन्हों चेक करने वास्ते साढ़े मुलाजम हैगे एसएसटी एसएसटी टीम है, उन्होंने अवेयर करने वास्ते इन्हों का रिस्पोंस टाइम जिहड़ा हैगा वो घट तो करन लई जिहड़ा आई ट्रिपल सी दे जिहड़ा कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन ते आ जिहड़ी ड्रिल होई है, इस ड्रिल नूं सीपी साहब कंट्रोल रूम तो डायरैक्टली इस चीज़ नूं वॉच कर रहे हैगे। साडा जिहड़ा मेन मकसद सी, असीं एक डेमो एक्सरसाइज क्रिएट की सी जिते असीं पीएनबी चौक ते एक कहा सीगा कि इत्थे प्रोटेस्टर आए हैगे और साढ़े मुलाजम वालों जिहड़ा एक फोन कंट्रोल रूम नूं किया गया सी, मिनीमम 5 मिनट के अंदर साढ़े एसीपी साहिबान नियरस्ट एसएसओ साहिबान अते 5 पीसीआर मौके इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर पहुँच गए। 10 मिनट के अंदर साढ़े 3 एसएसओ 2 एसीपी साहिबान जी 10 पीसीआर इनकलूडिंग एसएसटी एसएसटी टीम है वो मौके पर सी। तो साडा जिहड़ा मेन रिस्पो जिहड़ा एक्सरसाइज का मकसद सी वो काफ़ी हद तक ये तो कंप्लीट होया। असीं चाहते सी कि साडा रिस्पोंस टाइम की है, बाकी जड़े ए कुछ कमियाँ हैगी वो असी जरा इस एक्सरसाइज तो बाद जरा भी रिव्यू करके असी उस चीज़ को और बेटर कर लेगा। सर धरने के साथ साथ अगर कोई और भी वारदात होती है तो भी रिस्पॉन्स सिस्टम? ये बड़ा सिंपल है कि इसमें सिचुएशन के मुताबिक हमने टाइमिंग सिचुएशन के मुताबिक रिएक्ट करना है। जो अगर दर्द वो कोई सिचुएशन है उसके मुताबिक सिचुएशन स्पेसिफिक है, क्योंकि इस सिचुएशन में हमने 100 से 120 बंदे का जो धरना है वो एक्सपेक्टेड बताया था, तो उस हिसाब से हमने रिस्पॉन्स और जो फोर्स है वो मोबिलाइज की है।
अगर कोई छोटा अगर इससे रिलेटेड या उससे बड़ा हो तो अकॉर्डिंगली फिर ये सिचुएशन स्पेसिफिक जो फर्स्ट टाइमिंग पीसीआर की रही है दो मिनट की आप स्पोर्ट पे थे, आपने देखा कि दो मिनट के अंदर हमारी एक पीसीआर आ गई थी, पाँच मिनट में हमारे एसीपी साहब और सचो साहब मौके पे आ गए थे। तो ये हमारा जो काम है कि जो हमारा जो पुलिस का जो जलंधर पुलिस की जो एक्टिवनेस है उसको और एक्टिव करना और रिस्पॉन्स टाइम को और कम करना ही हमारा मकसद है। हिमाचल जन कल्याण सभा का 31वां वार्षिक अधिवेशन रेलवे क्लब जालंधर में मनाया गया। इस अधिवेशन का आरंभ हवन यज्ञ द्वारा किया गया जिसमें सभा के सदस्यों ने आहुतियां डालकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समारोह का शुभारंभ गुडविल अस्पताल के डॉक्टर सुनील शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया जिसके पश्चात हिमाचल के लोक गायक अमन ठाकुर ने हिमाचली लोक गीत गाकर उपस्थित लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस अवसर पर हिमाचल के पूर्व मंत्री कुंवर सिंह, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, विवेक खन्ना, अनूप सिंह, सरवन सिंह और किशन लाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान पंडाल हिमाचली परिवारों से भरा हुआ था। इस दौरान कन्या पूजन के पश्चात हिमाचली धाम शुरू हुई जो हिमाचल से आए हुए कारीगरों द्वारा तैयार की गई थी। इस अवसर पर अर्जुन सिंह, तारा सिंह, राजेंद्र शर्मा, ओंकार चंद, रवि कुमार, टीपी ठाकुर, अंकित शर्मा, देवेंद्र मिंटू, राम प्रकाश, मेहर सिंह, संजीव मिंटू, बंटी, मदन लाल सहित सभा के अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। मैं अंकित शर्मा, हिमाचल जन कल्याण का कैशियर, और मेरे साथ खड़े हैं सेक्रेटरी साहब मदन लाल जी और मीर सिंह जी। मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि ये 31वां वार्षिक अधिवेशन है। हम लगातार 31 साल से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा किस प्रकार जोश है। इसमें हम अपने हिमाचली कल्चर को दिखाते हैं और अपने जो पंजाब में हिमाचली भाईचारा है उनमें हिमाचली अपने लोक गायक नृत्य जो ख़त्म होता जा रहा है उसको हम बनाए रखने के लिए ये छोटी सी पहल करते हैं जो कि आपने देखा ही है। हमारे बीच जैसे चीफ गेस्ट जी विवेक शर्मा जी कुटलैड़ के जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आने वाले, और हमारे बीच वरिंदर कंवर जी जो चार बार के एमएलए हैं, और साथ में हमारे लोकल जो बॉडी है जैसे जो एक्स एमएलए हैं, और श्री रमन अरोड़ा जी जो कि आज आ नहीं सके हैं किसी कारणवश, दिल्ली जाना पड़ा, उनके ब्रदर जी आ रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारा मकसद ये होता है कि जो हिमाचल के लोग हैं उनको अपने हिमाचली कल्चर के साथ जोड़ा जाए, और इस प्रयास में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं, जो हमें इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, और हमें इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। मैं मदन लाल, सेक्रेटरी हिमाचल जन कल्याण सभा, जो कि 2016 च मैनू इन्होंने चुन के अगे लिया के आए थे। पहले रघुवीर सिंह धीमान जी जो पुराने सेक्रेटरी साढ़े रहे ने उन्होंने मैनु कार्यभार दिता। मैं 5-6 साल तो अपना जिहड़ा पूरा तन मन धन नाल अपना योगदान दे रहा। 31वां इस बार वार्षिक अधिवेशन असी हिमाचल जन कल्याण सभा का मना रहे हैं। इहदे विच असी पूरी जोर कोशिश करी दी है कि जिहड़े खाना बनाने वाले हो हिमाचल तो बुलाइए, तो हिमाचली कल्चर तो लोगों को दिखाइए कि जमीन पर बैठ के खाना और अपने सांस्कृतिक जिहड़े नृत्य है उन्होंने अगे प्रोत्साहित करना, क्योंकि अजकल जो वैसटर्न कल्चर है जो ज़्यादा है और खड़के खाण का ज़्यादा रिवाज और जो तरह तरह के बेटंगे खाने वो खा के लोगों की सेहत खराब हो रही है जी। सोच रहे लोगों को प्रोत्साहित करिए कि जो अपने नैचुरल खाने हैं, नैचुरल दालां सब्जियां जो अभी अच्छी तरह बना सकीए, पुराना खाना पाना वो लोगों को दे सकीए, ये साड़ी एक छोटी जी कोशिश है। धन्यवाद। मैं संजीव मिंटू, हिमाचल जन कल्याण सभा जलंधर वालों। ये योजन की जो साड़ी मेन परंपरा चल रही आ रही है, संस्कृति संस्कारी प्रोग्राम करते हैं हिमाचल सभा का। हिमाचल सभा का संस्कार और हिमाचल संस्कृति को बचाने वास्ते अभी अपने बच्चों इस योजना जोड़ना चाहते हैं, पूरे परिवारों जिन्हें भी हिमाचल के लोग है साढ़े इस योजना जुड़न आन नाल आन। दैनिक सवेरा परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सानू ये मौका दिता अपने प्रोग्राम होर बढ़ चढ़ के दसन वास्ते, और अभी फौज जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, और अपने हिमाचली परिवारों का जिन्होंने सानू समर्थन दिता इस योजना करने वास्ते। आदरणीय श्री वरिंदर कंवर जी पूर्व मंत्री अज आए साढ़े च, उन्हों का भी धन्यवाद, और आप दैनिक सवेरा अखबार का भी धन्यवाद। अज जिहड़ा साडा हिमाचल का प्रोग्राम रेलवे कलोनी दे विच हो रहा है हर साल जिहड़ा इत्थे हुंदा है, इस दे नाल साडे हिमाचल की संस्कृति
जिहड़ी साढ़े इत्थे हिमाचल के भाईचारे के लोग रह रहे हैं उन्होंने अते आस पास के एरिए जिहड़े लोग ने उन्होंने प्रचलित करन वास्ते समाज में देखने वास्ते कि हिमाचल दे विच किस तरह की संस्कृति है वो इस हर साल प्रोग्राम कराते हैं। मैं अपने वालों इन्हों सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामना दिना बहुत बहुत शुभकामना दिना। जेसीआई जालंधर की ओर से जोन प्रेसिडेंट जेसी रितेश और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ईशान अग्रवाल के आगमन पर अरोड़ा आई अस्पताल और रेटिना सेंटर में डॉक्टर अमन अरोड़ा के सहयोग से एक निःशुल्क आँखों का चेकअप कैंप लगाया गया जिसमें मरीजों की आंखों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं और मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन भी जल्द ही निःशुल्क किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष गगनदीप सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कीर्ति, जेसीआई जालंधर की प्रमुख शारू जैन, नेशनल टूर कोऑर्डिनेटर दीपक गुप्ता, सचिव जोन अध्यक्ष नमन अग्रवाल, मनविंदर सिंह, जसविंदर सिंह, राजन सियाल, गगनदीप सिंह, रिक्की चोपड़ा, राजन लांबा, परम अरोड़ा, रजनीश, पूजा आहूजा, जसमन, संजय आदि भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की 14वीं वार्षिक विशाल शोभा यात्रा कुटिया बाबा सिद्ध जी बेरी वाले बलदेवनगर जालंधर में से मुख्य सेवादार बाबा अवतार सिंह जी एवं बीरा भगत की अध्यक्षता में बड़ी ही श्रद्धाभाव से निकालेगी। इससे पहले प्रातः सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसके पश्चात संकीर्तन का आयोजन किया गया जिसके पश्चात विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसका शुभारंभ दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक अभिषेक विच विधायक बाबा हेनरी पवन सूरी और विधायक रमन अरोड़ा के भाई रमेश अरोड़ा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस मौके पर भजन गायक सुखविंदर हैप्पी ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ प्रभात मंदिर लुधियाना के गद्दी नशीन भक्त प्रवीण ठाकुर, संत समाज पंजाब के चेयरमैन साईं मधु ने विशेष रूप से उपस्थित होकर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद बालकृष्ण बाली, निर्मल सिंह निम्मा, परमजीत सिंह, किशन लाल शर्मा, अजमेर सिंह बादल, रोबिन लव, बंटी अरोड़ा, राजू टंडन, मास्टर हरी सैगल, शिव सैगल, कपिल सैगल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, बलदीव आनंद सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਾ ਛੱਡੇ
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਛਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀਆ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੇਰ ਬੜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਗੁੱਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੁੱਡੀਆ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਚ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 8-10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਉਲਾਸ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੀਰਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਲਾਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਰਨ ਜੀ ਦਾ, ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ, ਬੌਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨੌਰਥ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ MLA ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਰਡਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੌਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ ਰਹੋ। ਆਰੇ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੇਂ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਸਤਸੰਗ ਏਵਮ ਯੱਗ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮੇਂ ਪੰਕਜ ਚਾਵਲਾ, ਦਿਵਿਆ ਚਾਵਲਾ, ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਯਜਮਾਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਯੱਗ ਵੇਦੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ।
इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्मचार्य सौरभ आर्य और हितांश आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्र द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक रवि पोडवाल और गायिका सोनू भारती ने ईश्वर भक्ति की भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखन पाल ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर प्रवक्ता अश्विनी डोगरा ने आर्य समाज से जुड़े इतिहास से सभी को अवगत करवाया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारीलाल शर्मा, नल्ली उपाध्याय, जसविंदर कालिया, ब्याजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नहीं था, मैं इससे प्रार्थना की कि
कि अगले सप्ताह ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमने विचार किया कि जो परिवार जिसका जन्म दिवस आ जाए उसको प्राथमिकता, क्योंकि हम चाहते हैं कि रविवार के दिन हमने एक डाटा तैयार कर रखा हुआ है, जो हमारे संपर्क में परिवार है उनको रविवार के दिन जिसका है उसको उसका ढूंढ हमने प्रार्थना करनी है। और डिम्पल जी कहते हैं बहुत व्यस्त है, लेकिन मैं इनका आभारी हूँ जिन्होंने अपनी स्वीकृति तुरंत प्रदान की और यहाँ पर आकर जज किया, आपको अच्छा भी लगा होगा। हमारे भाई इस आय स्वयं के मंत्री मंत्री जो कोदी जी हैं उनके पौत्र का बयान का जन्म दिवस, इन्होंने भी यजमान के रूप में यहाँ बैठ करके पोता जो दुबई में इस समय बैठा हुए परिवार के साथ और उनकी मंगल कामना के हम यहाँ पर आकर चाहें बहुत करके उनकी मंगल कामना की, ये सब परिवार ऐसे ही खुशियां मनाते रहे सभी आदि समाजों की, और विशेष हमारी आदि समाज से इनका विशेष प्रेम है और हर रविवार को चाहे जितनी व्यस्तता हो ये हमारे बीच में अवश्य आते हैं। रवि कोटवा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पिछले सप्ताह इन्होंने भी तैयारी करके आनी है कुछ दिन बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगा। तो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने भी बहुत ही सहज भाव से यज्ञ संपन्न कराया, विशेष हमारे जो आज के अतिथि हैं उनका मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपना ये कीमती समय देकर विशेष अपने जन्मदिवस पर आज 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, तो हमारे डिम्पल भाटिया जी बैठे हैं ये भी बहुत बिजी, कल से नया शेड्यूल शुरू हो जाएगा, नया साल प्रारंभ हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर का, 24-25 में हम प्रवेश कर जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नीरज बाला दानिया द्वारा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक श्री महाशक्ति कला मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। कथा से एक दिन पहले 251 सुहागिनों ने अपने सिर पर कलश लेकर कलश यात्रा में भाग लिया। बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा बाबा गिटी वाला मंदिर से प्रारंभ होकर सदर बाजार से होते हुए श्री महाशक्ति कला मंदिर कथा स्थल पर पहुंची। जगह जगह पर कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस होने वाली कथा संबंधी जानकारी देते हुए समाज सेविका नीरज बाला दानिया ने बताया कि श्री श्री 1008 जोगिंदर दास जी महाराज के आशीर्वाद से पंडित श्री वेंकटेश जी महाराज श्री चित्रकूट धाम वाले अपने मुखारविंद से कथा का रसपान करवाएंगे। कथा 1 अप्रैल से शुरू होकर 7 अप्रैल दिन रविवार तक चलेगी। कथा दोपहर 3 बजे से प्रभु इच्छा तक हुआ करेगी। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल को सुबह 7 बजे हवन, दोपहर 3 बजे सुदामा चरित्र व्याख्यान के साथ कथा को विश्राम दिया जाएगा। इस अवसर पर भक्तों के लिए भंडारा प्रतिदिन टूट चलेगा। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने श्री दुर्गा माता मंदिर दुर्गा कॉलोनी के पंडित गिरिराज प्रसाद, शकुंतला उपाध्यक्ष एवं यशपाल, श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर कबीर नगर बल्टन पार्क के गौरव मागो, पंडित विनीत शुक्ला, राजेश भगत, प्रिंस अनमोल और रितिन, माता वैष्णो देवी मंदिर कबीर नगर के पंडित भगवान दास और कुलदीप कुमार, श्री शिव मंदिर उदासीन आश्रम कबीर विहार के बाबा राजकिशोर बबन पाल, जितेंद्र सिंह, पवन सिंह और महेंद्र पाल, श्री गौरी शंकर मंदिर कबीर विहार के प्रधान सरदारी लाल, पंडित अरुण कुमार शुक्ला, शैली शुक्ला, लालजीत और पूनम, श्री दुर्गा मंदिर रतन नगर के सुरेंद्र सिंह, पंडित नटवरलाल और रोहित मेहरा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। शुभ दिन है आज, हमें इस रामनवमी कमेटी के ने अपना शीतल जी ने दान दिया है जो हमें 16 तारीख जो रामनवमी की शोभा यात्रा है उसके ऊपर हम सभी को संदेश भेजा है। मैं इसको आमंत्रण नहीं कहूँगा, ये उनका निमंत्रण है जिन्होंने हमें बुलाया। हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके संरक्षण में हम इस
शोभा यात्रा में भाग लेंगे। भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव है, रामनवमी है, बहुत ही पवित्र त्यौहार है। हम हिंदुओं सनातनियों के लिए, नवीन सनातनियों के लिए बहुत ही पवित्र त्यौहार है और देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। मैं अपनी पूरी टीम के साथ सौभाग्यशाली हूँ, वहाँ पहुँचने के साथ मैं अवश्य पहुँचूंगा और अपने परिवारों के साथ में अवश्य लेकर आऊँगा। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं दैनिक सवेरा का, विशेष अपने दोनों भाइयों का, प्रधान रमन जी का जो कि हमारे बीच में आए और हमें इन्होंने ये स्मृति चिन्ह देकर आदर हमारा किया। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के शीतल नगर में एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, नहीं हो पाई पहचान। जंडियाला गुरु पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 150 ग्राम हेरोइन, इनोवा गाड़ी और इलेक्ट्रिक कंडा किया बरामद। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने सूचना के आधार पर दो चोरों को किया काबू, 6 मोबाइल फोन किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। Thank you.